कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे तंदूरी चाप की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। देखिए ये 700 ग्राम चाप है। इसमें हम दो मीडियम साइज की प्याज डालेंगे महीन महीन चॉप करके, दो टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून भर के नमक, हम एक गिलास पानी डालेंगे इसमें। अच्छे से मिला लेंगे हम। और इसको हम एक सीटी तेज गैस पे लेके फिर 5 मिनट तक हम धीमी गैस पे पकाएंगे। तो देखिए चापे गल गई है, पानी भी बहुत कम है। अब हम इसको भून के और इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और इसके एक मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए चापे ठंडी हो गई है, अब हम उसका मसाला बना लेते हैं। तो ये 1 कप दही है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून कुटी मिर्च लाल, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून रेड मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। नमक हम चाट में भी चापों में भी डाल चुके थे और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक बहुत एहतियात से डालिएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 नींबू का रस और 2 ये इस तरह से एकदम महीन महीन सी हरी मिर्च को चॉप किया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया। देखिए मसाला अच्छे से मिला लिया है, अब हम चाप से कोट कर देंगे। तो देखिए हमने सारी चाकू पे मसाले को बहुत अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे और फिर फ्राई करेंगे। देखिए 1 टेबल स्पून हमने इसमें तेल डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें हम बटर डालेंगे। तो देखिए अब हम इसकी 3-4 मिनट हो गए, हम इसकी साइड को चेंज करेंगे।
तो देखिए सांपों पे कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसमें धूनी देंगे। अब हम 3 से 4 मिनट तक इसको ढक के धूनी देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए 4 मिनट हो गए हैं, तो देखिए तंदूरी चाप बनके तैयार हो गई झटपट से, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। जब आप बनाएंगे ना तब आप देखेंगे कितनी प्यारी सी खुशबू है, और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।